हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्री क्योर के एक नए सेशन में। इस सेशन में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि ये हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं फर्स्ट से। सो जो फर्स्ट है वो है 316 आउट ऑफ द 651 प्रोटेक्टेड एरियाज आर यू नो अंडर फाइनल इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन। कि जो 316 हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, उनका जो इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन है दैट इज़ कम्प्लीट। ठीक है, सो ये है। सो अभी देखो, अगर हम इको सेंसिटिव जोन्स की बात करें या इको फ्रेजाइल जोन्स की बात करें, सो दीज आर दी एरियाज़ विच आर विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड दी प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सपोज़ ये आपका नेशनल पार्क है, तो इसके फर्दर 10 किलोमीटर्स का जो एरिया है, ठीक है, इसको इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई करने को कहा गया है बाय द गवर्नमेंट। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेटेड रहेंगी। इट विल एक्ट एज अ बफर ताकि जो नेशनल पार्क है वो प्रोटेक्टेड रहे। कि सपोज़ ये नेशनल पार्क की बाउंड्री है और यहाँ पे आप माइनिंग करनी शुरू कर दें एकदम उसकी बाउंड्री पे, सो ऑब्वियसली दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल पार्क। हिंस वी नीड अ बफर एंड दैट बफर इज़ प्रोवाइडेड बाई द इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, और द आइडिया इज कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इंडिया में, जैसे कि 651 है, सो सब में एक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए एंड इट शुड बी नोटिफाइड, राइट। लेकिन अभी सब में नहीं है, ओनली 316 आउट ऑफ 651 आर अंडर फाइनल ई एस जेड नोटिफिकेशन। सो लेट्स जस्ट सी दिस इन डिटेल। Over 30% of the India's protected area has been covered under the final ecologically sensitive zone notification. This is what the Environment Ministry informed. As on June 25th, final ESZ notifications covering 316 protected areas and draft ESZ covering 199 protected areas have been published. ठीक है, अब ना इसमें इशू ये है कि लेट्स से अगर ये नेशनल पार्क है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर सब जगह से यू नो कॉमन रेडियस रहेगा। कि यहाँ भी कहीं जगहों पे ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं जगहों पे कम भी हो सकता है। तो ये जो नोटिफाई है ये होने ज़रूरी है। हर एक नेशनल पार्क का एक अलग से इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होगा, दैट हैज़ टू बी नोटिफाइड एंड दैट हैज़ टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, सो उस केस में अभी तक सिर्फ 30% का ही हुआ है, बाकी सबका इन द प्रोसेस है। ठीक है, सो 316 आउट ऑफ द 651 हैव बीन कवर्ड। ठीक है, और अगर हम बात करें ई एस सेट में, कुछ एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं। ठीक है, सो इट एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ माइनिंग, स्टोन क्वारिंग एंड क्रशिंग यूनिट्स लोकेटेड विद इन 1 किलोमीटर ऑफ सच प्रोटेक्टेड एरियाज इन द एब्सेंस ऑफ नोटिफिकेशन। कि अगर नोटिफाइड नहीं है, एन एरिया ऑफ 10 किलोमीटर्स अराउंड द PA प्रोटेक्टेड एरिया इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट ESZ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जब तक नोटिफाई नहीं होता तो आप अज्यूम कर लो कि 10 किलोमीटर्स जो एरिया है अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया वो डिफॉल्ट इको सेंसिटिव जोन है। और अगर हम इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशंस की बात करें, सो दे आर इशूड अंडर विच एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 1986। ठीक है, अब एक बार इको सेंसिटिव जोन को फिर से डिटेल में देख लेते हैं। सो दीज आर दी एरियाज विच आर विद इन द 10 किलोमीटर्स अराउंड दी प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था ऑफ 2002, जिसका एक्सटेंड 2002 से लेके 2016 तक था, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इट हैज़ स्टिपुलेटेड कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिक्लेयर करेंगी लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज इको फ्रेजाइल जोन्स और इको सेंसिटिव जोन्स अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सो ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, इसने ये स्टिपुलेट किया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स वुड डिक्लेयर द इको सेंसिटिव जोन्स। The purpose of the eco-sensitive zones was to provide more protection to the parks by acting as a shock absorber, a transition zone या एक buffer। ठीक है, उसके बाद अगर हम eco-sensitive zone को और detail में देखें, so these are the ones which are notified by the Ministry of Environment। ठीक है, ये notify
कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन ये स्टिपुलेट स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सो ये एक इसमें डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ स्टिपुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये जो नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ अंडर विच एक्ट, अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। लेकिन जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है उसमें वर्ड इको सेंसिटिव जोन नहीं आता, इट डज नॉट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन, लेकिन उसका सेक्शन है जो 3-5, वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस शेल नॉट बी कैरिड आउट और शेल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टन सेफगार्ड्स, ठीक है। सो अगर हम देखें जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं करता इको सेंसिटिव जोन्स को, लेकिन जो उसका सेक्शन 3-5 है वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। सो इट इज़ अज्यूम्ड। ओके, नेक्स्ट इज जो जगहें जहाँ पे सेंसिटिव कॉरिडोर्स हैं, कनेक्टिविटी है या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस है, ठीक है, मतलब जो एरियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली, वहाँ उन एरियाज़ में इवन बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स विड्थ दे कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 किलोमीटर तक ही आपको इंक्लूड करना है अगर एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, तो आप 10 किलोमीटर से, जैसे ये नेशनल पार्क है तो आप 10 किलोमीटर्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको पता है कुछ एरिया इंपॉर्टेंट है, यू कैन इवन गो बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स, ठीक है। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि जो नेशनल पार्क है उसमें हर जगह ये 10 किलोमीटर ही रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इट कुड बी ऑफ वेरिएबल एक्सटेंट एंड विड्थ। द पर्पज़ ऑफ डिक्लेयरिंग इज एसेट्स इज़ टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स, ठीक है, टू द प्रोटेक्टेड एरियाज़ बाई रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द एक्टिविटी अराउंड सच एरियाज़, ठीक है। आप बेसिकली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट कर रहे हो इन द इको सेंसिटिव एरियाज़। दे आर एक्टिंग एज अ ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू एरियाज वेयर देर इज़ नो और लेस प्रोटेक्शन। सो यू नो यू आर रेगुलेटिंग सर्टन एक्टिविटीज़ ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑन द प्रोटेक्टेड एरियाज़, ऑन द फ्रजाइल इको सिस्टम इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, उस पर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द इको सेंसिटिव जोन्स। सो अगर आप देखो 316 आउट ऑफ 651 दैट हैज़ बीन कवर्ड अंडर द फाइनल इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन, और रेगुलेट होती हैं इसमें एक्टिविटीज़ 10 किलोमीटर्स तक अगर नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट ESZ बना सकते हो अप टू 10 किलोमीटर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और जो ये है दे आर इशूड अंडर द EPA, लेकिन उसमें वर्ड मेंशन नहीं है, नोटिफाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करती है, लेकिन जो स्टिपुलेट है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, एंड दे कैन इवन गो बियॉन्ड यू नो 10 किलोमीटर्स, और ये नहीं है कि एक स्टैंडर्ड विड्थ रहेगी, वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर मोज़ैक मिशन। सो दिस मिशन इट स्टैंड्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है। सो ये बेसिकली एक मिशन है जो आर्कटिक को स्टडी करेगा। इट इज़ आफ्टर 125 ईयर्स ऑफ यू नो, इट इज़ ये 125 साल के बाद हो रहा है, व्हेन अ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर फर्स्ट मैनेज टू सील हिज वुडन एक्सपेडिशन शिप फ्रैम इनटू द आइस, ठीक है, ड्यूरिंग अ 3 ईयर एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ पोल। तो अभी अगर हम बात करें तो 125 साल पहले भी नॉर्थ पोल में या आर्कटिक में एक एक्सपेडिशन हुआ था नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर के द्वारा। अब उसके 125 सालों के बाद ये एक्सपेडिशन होने जा रहा है नॉर्थ में या आर्कटिक में, ठीक है। नाउ साइंटिस्ट दे बिलीव दैट कोल्ड कैप दैट फॉर्म्स ईच ईयर इन द नॉर्थ पोल, ठीक है, जो कोल्ड कैप बनती है, जो आइस बनती है, जो हर साल बनती है, वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द वेदर पैटर्न्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। द आइडिया इज़ कि अगर आर्कटिक या नॉर्थ वार्म हो रहा है सो द ड्रामेटिक वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक डजंट स्टे इन आर्कटिक, और हमें पैटर्न समझना है ताकि हम बेटर प्रिडिक्ट कर पाएँ और बेटर समझ पाएँ क्लाइमेट चेंज को, और बेटर प्रिडिक्ट कर पाएँ जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उनको।
और सो इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ 17 नेशंस. ठीक है, दिस मिशन, दिस मोज़ैक मिशन, इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ 17 नेशंस. लेकिन जो आइस ब्रेकर है, जर्मन आइस ब्रेकर है, दैट इज़ आर वी पोलर स्टर्न. सो ये पहले जाएगा आर्कटिक में, पैक्ड विथ सप्लाईज एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर अ ईयर लॉन्ग मिशन टू एक्सप्लोर द प्लैनेट्स फ्रिजिड फार नॉर्थ. ठीक है, सो आइस ब्रेकर जाएगा. सो द आइस ब्रेकर विल बी द बेस ऑफ साइंटिस्ट फॉर फ्रॉम द 17 नेशंस विच आर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द आर्कटिक एंड हाउ इट विल इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी क्या कर रहे हैं कि आर्कटिक में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है और वो जो वार्मिंग हो रही है इट कैसे वो इफ़ेक्ट करेगी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को. ठीक है, इसके तहत एक एक्सपेडिशन जाएगा. एक्सपेडिशन में 17 नेशंस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, 17 नेशंस के साइंटिस्ट रहेंगे. ठीक है, सो जो पहला है आइस ब्रेकर वो जाएगा, जर्मन आइस ब्रेकर आर वी पोलर स्टर्न. ठीक है, ये जाएगा एंड इट विल बी द बेस ऑफ द साइंटिस्ट. ठीक है, उसके बाद दो दो महीने के बाद फिर साइंटिस्ट आते रहेंगे. ठीक है, सो जो ये टीम है इट विल एम्बार्क ऑन दिस $158 million एक्सपेडिशन इन सेप्टेम्बर एंड विल एंकर द जर्मन आइस ब्रेकर आर वी पोलर स्टर्न टू अ लार्ज पीस ऑफ आइस इन द आर्कटिक ओशन. ठीक है, पहले ये जो आइस ब्रेकर है इट इज़ अ बिग शिप, राइट, शिप को कहते हैं आइस ब्रेकर एंड ऑब्वियसली इट हैज़ टू ब्रेक आइस अगर इसे आर्कटिक में मैनूवर करना है. तो ये जाएगा, इट विल बी कैरिंग द सप्लाईज इन साइंटिफिक इक्विपमेंट और फिर उसके बाद ये एक लार्ज पीस ऑफ आइस के साथ जाके इट विल एंकर इटसेल्फ, उसके साथ जुड़ गया एंड देन इट विल वेट फॉर द सी टू फ्रीज अराउंड देम. ठीक है, तो अभी जो आइस ब्रेकर के अराउंड फिर और जो आइस है वो फ्रीज होगी. ठीक है, देन द साइंटिस्ट विल ट्रैप देमसेल्फ्स इन द थिक आइस, दे विल बी ब्रेविंग द ड्रॉपिंग टेम्परेचर्स एंड दे एज दे हरी टू बिल्ड टेम्पररी विंटर रिसर्च कैंप्स ऑन द आइस एंड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स एज आइस ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल. ठीक है, सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज़, अगर आप इसको अच्छे से समझो, सी द होल आइडिया इज़ के जो आइस ब्रेकर है ना वो लेके जाएगा सप्लाईज़ को और साइंटिफिक इक्विपमेंट को, साइंटिस्ट को. ठीक है, आर्कटिक में एक बड़ी सी आइस के साथ इट विल एंकर इटसेल्फ और उसके बाद जो साइंटिस्ट है ना दे विल वेट के जो सी थी उनके अराउंड उसमें और ज़्यादा आइस आ जाए, थिक आइस आ जाए. एक बार थिक आइस आ गई तो फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो बाहर आके टेम्पररी विंटर रिसर्च कैंप सेट करेंगे, दे विल कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, और आइस एज आइस ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड इट विल अलाउ देम टू परफॉर्म द टेस्ट दैट वुडंट बी पॉसिबल एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर और बाय सैटेलाइट सेंसिंग. ठीक है, सो द शिप इट विल बी पैक्ड विद सप्लाईज इन साइंटिफिक इक्विपमेंट बट द टीम विल बी आइसोलेटेड. ठीक है, टीम ऑब्वियसली आइसोलेटेड होगी और कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे आर डीप इन द नॉर्थ, डीप इन द आर्कटिक. टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप टू -50 degrees Celsius एंड द पोलर नाइट व्हेन द सन डजंट राइज ओवर द होराइजन विल लास्ट 150 days. The team plans to build a fence around their camps that will sound an alarm if any polar bear comes too close and 6 people will be assigned to polar bear watch. ठीक है, तो जो भी ये टेम्पररी रिसर्च कैंप्स बनाएंगे उसके अराउंड फेंस लगा लेंगे, 6 लोग सिर्फ आपका फेंस को देख रहे होंगे कि पोलर बियर्स पास में ना जाए. ठीक है, सो ऑब्वियसली विंटर टाइम पे सिंस ये रिसर्च कर रहे हैं तो विंटर में तो और भी ज़्यादा एडवर्स टेम्परेचर हो जाता है. टेम्परेचर तो चलो एडवर्स होता ही है, इवन जो पोलर नाइट है दैट विल लास्ट फॉर 150 days. तो जिसके ऑर्गेनाइजर्स हैं ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ, ना ही इस स्केल पे और ना ही इस एम्बिशन से. अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो US, चाइना, रशिया एंड अदर कंट्रीज़ दे विल बी रोटेटिंग एवरी 2 months एज अदर आइस ब्रेकर्स दे ब्रिंग फ्रेश सप्लाईज एंड द साइंटिस्ट. ठीक है, हर 2 महीने के बाद आइस ब्रेकर्स आएंगे. सो अगर हम इसकी रिसर्च की बात करें, सो बाय कंबाइनिंग द मेजरमेंट्स ऑन द आइस, ठीक है, जो वहाँ पे आप मेजरमेंट्स करोगे उसको आप कंबाइन करो सैटेलाइट से जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके साथ, तो ये होप है साइंटिस्ट का कि दे कैन इम्प्रूव द कंप्यूटर मॉडल्स. ठीक है, और
उससे क्या होगा, बिकॉज उनके मॉडल्स इम्प्रूव हो जाएंगे, सो दे विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर करेक्टली, द क्लाइमेट प्रोडिक्ट करेक्टली. ठीक है, वेदर और क्लाइमेट प्रिडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं. इन द एंड द विजुअल, द मैनुअल ऑब्जर्वेशन इज़ ऑल्सो नीडेड. ठीक है, जो वहाँ पे जाके आप मैनुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जो विजुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, द आइडिया इज़ ओनली साइंटिफिक, जो सैटेलाइट से हम मेजरमेंट्स करते हैं, दे आर नॉट इनफ. अगर हम मिशन की बात करें, फंडिंग कहाँ कहाँ से आई है, फ्रॉम US इंस्टीट्यूशन सच एज नेशनल साइंस फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल ओशियानिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप NOAA के नाम से जानते हैं, नासा. सो दे हैव फंडेड. सो इट होप्स टू इन्हांस दिस मोज़ेक, मिशन होप्स टू इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्कटिक क्लाइमेट चेंज और उसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ऑफ द वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक. ठीक है, एंड लीड टू सेफर मेरीटाइम एंड ऑफशोर ऑपरेशंस and informed policy development, better informed policy development, right? So the whole idea of this mission is to go into the deep, into the Arctic, to carry out, you know, manual and visual observations. फिर उसको जो सैटेलाइट से आप observations कर रहे हो उसके साथ मिला के they will be able to better their computer models to have, you know, better weather and climate predictions, right? उसके बाद 170 nations हैं, $158 million का ये mission है, और funding अगर हम बात करें, सो इट इज़ फ्रॉम दीज सोर्सेज, राइट? सो दिस वॉज रिगार्डिंग द मोज़ेक मिशन. ठीक है, सो ये देखो, ये हमारे पास आप अगर देखो तो नॉर्थ पोल यहाँ पे दे विल बी देयर. सो नेक्स्ट वॉज एन आर्टिकल विच ऑल्सो सेड दैट देर इज श्रिंकिंग ऑफ द फ्रिजिड जोन्स, मीनिंग द श्रिंकिंग ऑफ द अंटार्कटिक एंड आर्कटिक जोन्स स्पेसिफिकली. सो देर हैव बीन सर्टन स्टडीज विच हैव बीन कोटेड इन दिस आर्टिकल, राइट? सो इस आर्टिकल में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई जस्ट फोकस ऑन देम. सो द सी आइस कंटेंट, सॉरी द सी आइस एक्सटेंट विच इज़ अ मेजर ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द ओशन कवर्ड बाई द सी. ठीक है, सो जितना भी आपका जो ओशन है वो सी से कवर्ड है, सी आई से कवर्ड है, उसको हम सी आई एक्सटेंट कहते हैं. ठीक है, सो दिस सी आई एक्सटेंट हैज़ श्रंक बोथ इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, राइट? सो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सी आई एक्सटेंट हैज़ श्रंक. जो आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट है, जून में इट वॉज रिकॉर्डेड दैट इट वॉज सेकेंड लोएस्ट. जो लोएस्ट था वो जून 2016 में रिकॉर्डेड था. ठीक है, सो दैट हैज़ बीन देयर. सो ये टिपिकल वर्ड्स हैं कि कितना था, वो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद क्लाइमेट साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग ऑफ एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. जैसे कि हमने ऊपर वाले आर्टिकल में देखा कि जो वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक है, दैट डजंट स्टे इन आर्कटिक एंड दैट इज़ लीडिंग टू द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेटिक पैटर्न्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबल हो गए हैं. उसके बाद अनादर यू नो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज, जो सी सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं. इन द ओपन वाटर्स ऑफ द आर्कटिक हैव बीन अनयूजुअली हाई, कितने 5 degrees Celsius अबव एवरेज. ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर्स आर्कटिक में 5 degrees Celsius अबव एवरेज है, दैट इज़ अ बिग इंक्रीज. ठीक है, उसके बाद WMO कहता है कि अंटार्कटिक सी आई एक्सटेंट वॉज द स्मॉलेस्ट एंड आर्कटिक सी आई एक्सटेंट वॉज सेकेंड स्मॉलेस्ट. ठीक है, सो अंटार्कटिका में जो आइस है वो अब तक रिकॉर्डेड है उसमें सबसे कम अब है, और आर्कटिक में सेकेंड स्मॉलेस्ट है. ठीक है, एंड द सी सर्फेस टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड, राइट? दैट हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स. उसके बाद देर वॉज अ स्टडी विच वॉज पब्लिश्ड इन PNAS बाय द क्रायोस्फेरिक साइंसेस लेबॉरेटरी एट द नासा गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, दैट हैज़ ऑल्सो रेड फ्लैग्ड मैसिव सी आई लॉस इन द अंटार्कटिक. ठीक है, सो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं अंटार्कटिका में सिंस 1970s, और उन्होंने दिखाया था कि
थोड़ा ना जो अंटार्कटिक सी आइस है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा था 2014 तक, लेकिन अभी 2014 से 2017 में इट हैज़ कम्प्लीटली रिवर्स्ड. द रेट ऑफ सी आई लॉस इन अंटार्कटिका फार एक्सीडेड दोस रिकॉर्डेड फॉर द आर्कटिक. सो द साइंटिस्ट आर ऑल्सो यू नो दे आर कन्फ्यूज कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 1970 से अगर हम 2014 तक देखें तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन एकदम से डिक्रीज होने लग गया. इतना डिक्रीज हो गया कि अंटार्कटिका में अब तक smallest ice has been recorded. Okay, and since 2014 the decreases have been so great that the yearly averages ke itni ice ka jo extent hai ice extent ka jo average hai अभी उसका लोएस्ट चल रहा है. ठीक है, सो असेंशली वाइपिंग आउट द 35 ईयर्स ऑफ ओवरऑल आइस एक्सटेंट इंक्रीजेस इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स. तो जो 1970 से लेके 2014 तक इंक्रीज हुआ था सी आई एक्सटेंट में, अभी वो वाइप आउट हो गया है इन जस्ट यू नो दीज ईयर्स फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स. ठीक है, सो दैट इज़ दैट. ओके, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अंटार्कटिका में जो आइस लॉस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है आफ्टर 2014 एंड इट वाज इंक्रीजिंग बिफोर दैट. इट हैज़ नाउ बिकम लोएस्ट द स्मॉलेस्ट. ठीक है, आर्कटिक वार्मिंग एंड द सी आइस डिक्लाइन दे हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. आर्कटिक का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के क्लाइमेट में दिखेगा. जो वेस्टर्ली फ्लोइंग एयर है दैट इज़ द जेट स्ट्रीम. ठीक है, जो जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ, दैट इज़ गेटिंग वेवियर विद आर्कटिक वार्मिंग. और अगर वेवियर होगी कि उसमें ज़्यादा वेव्स होंगी, इट कैन लीड टू ग्रेटर परसिस्टेंस इन द सीजनल पैटर्न्स एंड एन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सट्रीम इवेंट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज वेरिएबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी. सो द पॉइंट इज आर्कटिक वार्मिंग इज लीडिंग टू वेवियर jet stream and that wavier jet stream is leading to increase in the frequency of the extreme weather events and the instability in the climate. ठीक है, उसके बाद एक जो IPCC का पेपर था दैट हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड कि आर्कटिक वार्मिंग विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. ठीक है, ईल्डिंग अ नियरली ईयर राउंड आइस फ्री आर्कटिक ओशन, कि आर्कटिक ओशन कम्प्लीटली आइस फ्री हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द 21st century विद अ मीन एनुअल आर्कटिक टेम्परेचर राइज अप टू 8 degrees Celsius एंड आर्कटिक समर टेम्परेचर क्लोज टू 2 times द प्रेजेंट वंस. ठीक है, सो ये IPCC ने बताया था कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी बाय 2100 दीज चेंजेस विल टेक प्लेस, कि आर्कटिक ओशन कम्प्लीटली आइस फ्री हो जाएगी. ठीक है, और जो मीन एनुअल आर्कटिक टेम्परेचर है वो 8 degrees Celsius से राइज करेगा और जो समर टेम्परेचर्स हैं वो 2x हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद WMO ने भी यही बोला है कि 4 warmest years ऑन रिकॉर्ड वर इन द फास्ट 4 years और जो 5th है वो अभी आने वाला है. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट हैज़ बीन टोल्ड इन दिस लॉस ऑफ द फ्रिजिड जोन्स. सो इसमें आप ये बोल सकते हो कि सी आइस एक्सटेंट कम हो रहा है, आर्कटिक की सी आई एक्सटेंट सेकेंड लोएस्ट है, अंटार्कटिक लोएस्ट है. अंटार्कटिक 2014 तक इंक्रीज़ हो रहा था, अभी डिक्रीज़ हो रहा है. सी सर्विस टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड एंड यू नो दैट हैज़ लेट जो आर्कटिक में वार्मिंग हो रही है, वेवियर जेट वेव्स एंड ऑल दैट. सो ये हमारे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टेक अवेज हैं. उसके बाद स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड दैट इज़ तमिल योमन. देखो, अब स्टेट के इस एज सच तो नहीं पूछे जाते कि स्टेट बटरफ्लाई या स्टेट एनिमल्स कौन है, लेकिन सिंस ये करंट में था सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, राइट. सो तमिल योमन की अगर हम बात करें, सो इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स. इट अकर्स इन मॉइस्ट डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, तो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में मिलता है सिर्फ, और मॉइस्ट डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है. ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि साइज 60 to 75 mm, हैबिट की बात करें, फास्ट स्ट्रेट फ्लाइट विथ फ्यू विंग बीट्स एंड इट हैज़ अ लॉन्ग ग्लाइड. ठीक है, उसके बाद लावा की बात करें, वर्टिकल चेन्स ऑफ 8 to 10 में ये एग्स ले करता है. ठीक है, और तमिलनाडु में बटरफ्लाई हॉटस्पॉट्स 32 हैं. ठीक है, सो जब इसको डिक्लेयर किया गया एज अ स्टेट बटरफ्लाई, सो इट वाज यू नो सेट के इससे क्या होगा, जो अवेयरनेस है लोगों में वो भी बढ़ेगी कि बटरफ्लाइज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा वो इकोलॉजिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं एंड वी नीड टू कंजर्व दैम. उसके बाद अगर हम तमिलनाडु में बात करें, तो तमिलनाडु में स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, स्टेट ट्री है, स्टेट फ्लावर है एंड स्टेट फ्रूट है. सो तमिलनाडु में सब कुछ ही है.
So, Tamil Human, a butterfly species endemic to Western Ghats, has been declared as the state butterfly of Tamil Nadu. It is a tawny colored creature, you can see here, with a dark brown outer ring, and it is among the 32 butterfly species which are found in the Western Ghats. Isko Tamil Maravan bhi kehte hain, which means warrior. They could be found mainly in the hilly areas. That is why it is endemic to Western Ghats. Abhi do species thi, Tamil Human and Tamil Lacewing. ठीक है, सो बोथ ऑफ द स्पीशीज आर यूनिक के इन दोनों में कॉम्पिटिशन था. जो तमिल लेसविंग है ना, वो काफ़ी रेयर है. सो योमन भी इतनी रेयर नहीं है. ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन ग्रुप्स इन लार्ज नंबर्स एट फ्यू प्लेसेस. दैट इज़ वाई मस्ट हैव प्रॉम्प्टेड कि इतनी रेयर नहीं है तो इसी को स्टेट बटरफ्लाई बना दो. उसके बाद तमिलनाडु हैज़ बिकम द फिफ्थ स्टेट इन द कंट्री टू अनाउंस इट्स स्टेट्स बटरफ्लाई. ठीक है, पांचवी स्टेट है पूरे देश में. पहली महाराष्ट्र थी जिसने ब्लू मॉर्मन डिक्लेयर किया. उत्तराखंड कॉमन पीकॉक, कर्नाटका सदरन बर्ड विंग्स, केरला मालाबार बैंडेड पीकॉक. ठीक है, बटरफ्लाई जो है इट बिकम्स the pride of the state. It also helps to conserve the its ecosystem, the butterfly, the biodiversity, and paves the way for ecotourism. People also recognize the importance of butterflies, which helps in their conservation and the conservation of the ecosystem. 32 butterfly hotspots hain jahan pe butterflies aapko bahut sara variety of the butterflies milengi. Aur jo Tamil Nadu state hai usne state animal declare kiya hua hai, state bird declare kiya hua hai, state tree, state flower, state fruit, and now they have declared the state butterfly also. और पांच states हैं इंडिया में जिन्होंने state butterfly declare किया हुआ है अभी तक. Then finally we have the जल शक्ति अभियान. ठीक है, जल शक्ति अभियान is a campaign for water conservation and water security in the country. ये launch किया गया जल शक्ति minister के द्वारा. अब देखो ये ना सिटीज़न पार्टिसिपेशन पे फोकस करता है जो जल शक्ति अभियान है. दो फेसेस में होगा, पहला ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एंड देन ड्यूरिंग द सीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून्स. सो अब फोकस इस कैंपेन का रहेगा जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड हैं. ठीक है, और जो ब्लॉक ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड हैं उनके ऊपर. ठीक है, सो अगेन अगर हम बात करें तो मेजरली वाटर कॉन्जर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी पर फोकस करता है. ठीक है, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विच कम्स अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री. तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेटिव एफर्ट है. सो जो टीम्स हैं दे विल विजिट एंड वर्क विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, टू इंश्योर द वाटर कॉन्जर्वेशन थ्रू सर्टन इंटरवेंशंस. वो क्या हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज एंड टैंक्स. ठीक है, उनकी रेनोवेशन, आप एक तो हार्वेस्टिंग कर रहे हो रेन वाटर और जो टैंक्स हैं उनकी रेनोवेशन कर रहे हो. देन री यूज ऑफ वाटर, रीचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन. तो ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पाँच इंटरवेंशन है जिसके थ्रू जो जल शक्ति अभियान है वो वाटर कॉन्जर्वेशन में इंडल्ज करेगा. ठीक है, दे विल ऑल्सो भी सप्लीमेंटेड विद स्पेशल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट वाटर कॉन्जर्वेशन प्लान्स. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका एक कंजर्वेशन प्लान होगा. इरिगेशन में एफिशिएंट वाटर यूज को प्रमोट किया जाएगा एंड बेटर चॉइस ऑफ क्रॉप्स थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र. जैसे कि आप राइस को अवॉइड करोगे बिकॉज राइस अब्सॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर. तो ये सब इंटरवेंशंस विल आल्सो बी टेकन अंडर द जल शक्ति अभियान. ठीक है, सो दीज आर द करंट अफेयर्स विच वी हैव कवर्ड इन टूडेज प्रीक्योर. सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीक. थैंक यू.